अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू समियाज़ किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज अब हम बनाने जा रहे हैं बारबेक्यू मैक्रोनी। सबसे पहले जो पास्ता है, बॉइल्ड वाटर में नमक डाल के इसको हमने बॉईल कर लिया है, और इसके बॉईल करने के बाद इसके अंदर हमने ऑयल डाल के इसको साइड पर कर दिया। फिर हमें चाहिए 500 ग्राम चिकन, 2 टेबल स्पून हमें मैदा चाहिए, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट चाहिए। इसके बाद जो हमने मसाले यूज़ किए हैं वो 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून रेड चिलीज, 1 टीस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून कुटा हुआ, हमने इसको चॉप कर लिया था जीरे को, और 1/2 टीस्पून काली मिर्च, और ये हमने एक छोटा प्याज लेके तो उसको हमने बारीक बारीक काट लिया है। हमने कढ़ाई में 2 टेबल स्पून ऑयल ले लिया। ऑयल के अंदर हम सबसे पहले प्याज डालेंगे और इसको हमने फ्राई कर लेना, लाइट ब्राउन कर लेना। इसके अंदर हम डाल देते हैं लहसुन अदरक की पेस्ट। जब हमारा प्याज लाइट ब्राउन हो गया है, अब इसके अंदर हमने ये चिकन डाल के इसको 2 मिनट के लिए फ्राई करना है। अभी हमारा चिकन फ्राई हो गया है, अब इसके अंदर हमने ये 2 टेबल स्पून अपना मैदा डाल दिया, तो आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अब इसमें हमने 3 कप पानी डाल के इसको पकने के लिए रख देना है। 10 से 15 मिनट आप इसको अच्छे तरीके से पकाएं ताकि हमारा चिकन गल जाए। ये देखें, ये हमारा चिकन अब रेडी है। इसके अंदर आपने थोड़ी सी ग्रेवी रहने देनी है। ये देखें, ये हमारी गाढ़ी गाढ़ी सी ग्रेवी रह गई है। इसके अंदर अब हम पास्ता मिक्स करते हैं। हमने पहले से बॉईल करके पास्ते को रखा हुआ था, ये अब इसके अंदर हम मिक्स कर देंगे। पास्ता अब रेडी है, इसको अब हम डिश आउट कर लेते हैं। इसको हम डिश में निकाल लेते हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करना, कमेंट में हमें लाजमी बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। ये केचप से आप इसके ऊपर अपनी पसंद से डिज़ाइन बना लें। ये हमारा पास्ता रेडी है। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वाह भाई, वाह भाई, क्या बात है भाई, क्या बात है।